तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने गेहूं कटाई के सीजन को देखते हुए आंदोलन में भाग लेने के लिए नया तरीका खोज निकाला है। अब किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों की बजाय निजी वाहनों और एक हफ्ते की शिफ्ट के लिए दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक तीन कानून रद्द नहीं होंगे तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। बताएं कहां जा रहे हैं? हम शिंगू बॉर्डर पे जा रहे हैं। हम गांव पंजाब से दुगाल गांव से आए हैं और हम वहां टेंट लगाने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास सभी सामान है, जो वेल्डिंग सेट है, ठीक है, वहां टेंट पक्का लगाएंगे। और जो ट्राली है वो इस बार रखे, जो गेहूं पक रहा है उसको काटने के लिए वो वापस आएंगे। और हमारे जो पक्के डेरे हैं वहाँ लग भी रहे हैं और लगेंगे। हम हर हफ्ते टर्न बाई टर्न हमारे आदमी 15-20 एक गांव से जाते हैं। तो अब किसान जैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं? किसान कुछ वहाँ बैठे हैं, फिर वो नीचे आ जाते हैं, मतलब वापस चले जाते हैं, ये क्या रोटेशन बनाई हुई है? हमने हरेक गांव में एक रोटेशन बना रखी है कि 15 आदमी हमारे हर एक गांव में जाएंगे, वहाँ रुकेंगे एक हफ्ते के लिए और वो वापस आ जाएंगे, फिर दोबारा और नए जाएंगे। ऐसे ऐसे रोटेशन हमने चला रखी है। सीजन आ गया, सीजन में कैसे मैनेज करोगे गेहूं? सीजन में ऐसे ही मैनेज करेंगे हम। जो आदमी जो फसल काटेगा वो यहीं रहेगा, जो फ्री है, जो ठेके पे जमीन दे रहा है वो फ्री है, और लेडीज फ्री है उसको वहाँ लेके जाएंगे। तो कैसा माहौल पंजाब में पीछे अब और बॉर्डर पर कैसा? बॉर्डर पे भी जो माहौल 26 तारीख के बाद है वो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है अभी। और गाँव में भी हर एक पंजाब के गाँव में पंचायतें हो रही हैं, वहाँ पंचायतों के हिसाब से आदमियों को वहां लेके जाया जा रहा है रोटेशन वाइज। 15-15, 10-10 दिन की रोटेशन है हमारी, और 10-10 दिन बाद 15-15, 20-20 आदमी हम गाड़ी से लेके जाते हैं और गाड़ी से ही वापस आते हैं। तो कब तक जारी रहेगा संघर्ष? जब तक जे तीनों कानून हैं जो वापस नहीं होते, मोदी सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक हम जे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कहाँ से हैं और कौन से जिले से? हम पटियाला डिस्ट्रिक्ट से हैं, पंजाब से, और हमारा जो गांव है वो है दुगाल कलां पिंड गांव है, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिडारी बिट्टू दुगाल के नाम से हमारा पिंड गांव है जो मशहूर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। जैसे हम जी हूँ पहले ट्रैक्टर आली में जाते थे, हमारे कुछ ट्रैक्टर वहाँ खड़े ने, हूँ कुछ बंदे जैसे घर में भी काम हो जाता है, उधर 7-8 बंदा उधर बैठ जाता है, 7-8 बंदा आ जाता है, फिर वो बंदा आ जाता है। तो जितना चले मोदी नहीं मनेगा जी, उतना चर वैसे ही धरना चलेगा। हाँ जी, शिफ्ट। तो कैसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लगाते हैं शिफ्ट गांव में, कैसे मैनेज करते हैं गांव में? हम जी हफ्ता मान लो पहले उधर बंदा छोड़ दिया, फिर वो बंदे जाके होर हफ्ते के लिए बंदे तैयार कर ले, गड्डी में जाएंगे उधर वो बंदे ले आएंगे, हम उधर हफ्ता फिर लगाएंगे। क्या नाम आपका? गुरप्रीत। उवे मोहाली आपका, उत्थे जाके आपका जगत सिंह मोदी नहीं मानता है, देखो उगल सिंह असं आपका संघर्ष से ही करते रहे। तो अब कैसे करते हो? सीजन भी आ गया तो कैसे मैनेज? सीजन भी आ गया, साढ़े पांच बंदे आपका पिंड 5-5, 10 बंदे लाए हुए ने, ट्रैक्टर तो उत्थे खड़े ने, गड्डिया लाती इधरों, गड्डिया भर के जांदियां ने, उधरों गड्डिया भर के आ जांदियां ने। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5-5, 10-10 ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਮੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ 10-10 ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਪੈਨਾਂ ਨੇ ਵਾਢੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉੱਠ ਜਾਏਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਉੱਠ ਜਾਏਗੇ ਆਪ ਲੋਕ ਅਭੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੇ, 100% ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ। 27 ਮਿਲਕਰ 99% ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਮਸ਼ੀਨੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਹਮਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਸੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਧਰਨੇ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੇ, ਵਹੀਂ ਰਹੇਗੇ ਤੇ ਵਹੀਂ ਡਟੇ ਰਹੇਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਡਟੇ ਰਹੇਗੇ, ਟੋਲੋ ਪਰ ਡਟੇ ਰਹੇਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇਗੇ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੇ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਗ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਾਕ ਮੇਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਗ ਫਸਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਐ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਮਾਰੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, लेकिन हम सारी फसल इसके बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आगे आने वाला समय तो ये कानून लागू होगी तो हमारा सारा ही बर्बाद हो जाएगी, एक फसल हमारी बिल्कुल सही बर्बाद हो जाएगी, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएगी, धरनों पर ही डटे रहेंगे हम। तो बिल्कुल सही कहा था, चाहे हमने अपनी फसल
फूकनी पड़े, लेकिन हम धरने से उठ के नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों कानून वापस है, काले कानून वापस नहीं होते। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरजमल नैन है।